विक्रम कुंड के पंडित जी और असम से आए हुए हमारा माननीय पंडित जी और यहाँ जितना पब्लिक उपस्थित है आप सभी को नमस्कार। आज अतुल जी नहीं रहे लेकिन अतुल जी विश्व पितामह हिंदुस्तान का राजनीति में एक पिता बन के रहा है। जितना वो राजनीति में रहे अपना जिंदगी में 20 तारीख को जब पटना सभा हुआ दिल्ली में हर पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी से लेके ऐसे एक्सप्रेशन दिया कि सही में अतुल जी विश्व पितामह हिंदुस्तान का राजनीति में एक निकला है। वो राजनीति केले है किसी का दुश्मनी से नहीं, वो आइडियोलॉजी प्रिंसिपल के आधार पे वो राजनीति केले है जिंदगी। और मेरा व्यक्तिगत 1999 से संपर्क होके और पूरे 5 साल टेन्योर में उसके साथ बहुत करीब रहे, आप सबको मालूम है अरुणाचल प्रदेश में सारा हिंदुस्तान में पीएमजीएस हुआ है, जो गांव गांव में रास्ता जा रहा है, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिन। और बॉर्डर एरिया में इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में वहां के लोग तकलीफ है, इसलिए इन्होंने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान का क्रिएशन भी हुआ। और गुजरात से लेके सिलचर तक इस वेस्ट रोड का सपना भी उसका ही है, और साथ में क्वाड्रेंगल रोड सारा हिंदुस्तान को गुरुत्व के एक रास्ता हाईवे बनाना भी उसका सपना है। इन्होंने एटम बम फुटाया, सारा दुनिया ने हिंदुस्तान को इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ, लेकिन उसमें भी इन्होंने हिंदुस्तान को सिर झुकाना झुकाने का मौका नहीं मिला, इन्होंने हिंदुस्तान को आगे लेके गए। और कारगिल वॉर भी विजय पथ पे अतुल जी ने यही साबित किया। और उसमें एक कहावत और हकीकत भी है, अतुल जी को कहा अमेरिका ने आप कश्मीर को छोड़ दो पाकिस्तान के लिए, नहीं तो पाकिस्तान एटम बम फुटाएंगे। अतुल जी ने उस समय का अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा मैं जानता हूं हिंदुस्तान का आधा हिस्सा जाएंगे लेकिन गांव सुबह तक तो पाकिस्तान इस दुनिया में नहीं रहेगा, ये जवाब अतुल बिहारी वाजपेयी कहते। और अतुल जी अपना आइडियोलॉजी प्रिंसिपल में कायम था और समय का बहुत पाबंदी था। मैं एक उदाहरण के तौर पे हम जब नए नए एमपी बने भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन रहे, उसका पार्लियामेंट सेशन जब होता है हर ट्यूसडे भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट मीटिंग होता है, वहां पार्लियामेंट एमपी का मीटिंग होता है हर ट्यूसडे। तो हम लोग नए नए एमपी 9 बजे में पहुंचना है, 9 बजे से मीटिंग शुरू होता है तो हम लोग लेट में आता है। अतुल जी का उस शब्द से आज भी मैं कोशिश करता हूं टाइम पे एकदम राइट टाइम। हम लोगों को कहा जनता ने आपको आप सभी को चुन के यहाँ एमपी बना के भेजा है, लेकिन जब भी आप दरवाजा में आता है सिर झुका के क्यों आते हो, इसका मतलब आप समय का पाबंदी करो। और कभी कभी हम लोग उस सुनने के बाद एक तारीख पहुंचने से भी अतुल और अडवाणी जी ऑलरेडी वहां बैठा रहता है गाड़ी देख के, जैसे 9 बज गया पूरा एमपी आओ या ना आओ मीटिंग शुरू होता। और अतुल जी एक हमारा यहाँ आज नहीं रहे, फिर भी अतुल जी इस दुनिया में और हिंदुस्तान में रहेंगे। जिस आदमी ने जनसंघ को बनाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के साथ ये भी साथ में थे, इन्होंने जनसंघ बना के अध्यक्ष रहे, साथ में भारतीय जनता पार्टी 1980 में बना उसमें भी वो अध्यक्ष रहे। जिस पॉलिटिकल पार्टी को हिंदुस्तान में इन्होंने अपना से बनाया और उसी पॉलिटिकल पार्टी में वो प्रधानमंत्री शिखर तक पहुंचा, ये कोई मामूली काम नहीं है। आप सभी में से कोई पॉलिटिक्स में हो या ना हो, ये एक हमको सीखना पड़ेगा कि आप
इतना मेहनत किया हो, लखनऊ का एक भारतीय जनता पार्टी का एक बुजुर्ग ने अतुल जी का सामने, हम लोगों का सामने भाषण दिया। नया नया जब भारतीय जनसंघ शुरू हुआ, कोई किसी को पता नहीं था, पोस्टर लिखता था कूट, पोस्टर भी टांगता था कुछ, साइकिल से जा जाके लखनऊ सिटी में पोस्टर भी हुई कूट लिखेगा हैंड राइटिंग, और पोस्टर भी टांगेगा वो दुर्गा मंदिर के सामने में मीटिंग होगा, और मीटिंग सभा में आया है तो एक आदमी झाड़ू मार रहा है वो स्टेज पर, और झाड़ू मारने वाला भी अतुल जी का, और जो भाषण शुरू हुआ वही अतुल जी भाषण दे रहा था। ऐसा कार्य वो करके इस भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने आज दुनिया के सामने, आज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बनाया। आज मोदी जी है, मोदी जी उसका शिष्य थे, और आज सर्व शिक्षा अभियान हो, गरीबों के लिए जितना कल्याण आज गांव गांव में पहुंच रहा है, ये अतुल जी का देन था। इसलिए अतुल जी दुनिया में नहीं रहे, फिर भी उसका अतुल रहेगा, उसका करगा, उसका धर्म रहेगा। इसलिए आज नामसाई सोकाम तेजू से आए हुए आप भाई बहनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। हम दिल्ली से अस्थि को लेके आया तो हम सब चर्चा हुए कहां हम लोग इसका समर्पित करेंगे। विश्राम कुंड हिंदुस्तान का माना हुआ एक धर्म स्थान है। इतना महान व्यक्ति का अस्थि परशुराम कुंड में होने से ठीक है, तो इसलिए मैं परशुराम बाबा को भी मैं नमस्कार करता हूँ। आपका ही पुकार होगा, और असम से आया हुआ पंडित जी से भी मैं आप सभी का प्रार्थना होगा कि अतुल जी जैसा व्यक्ति का अस्थि आज परशुराम कुंड में आए और आप सब यहाँ दर्शन करने के लिए एकत्र हुए, तो इसलिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ अतुल जी का आत्मा शांति मिले और इस दुनिया में और दोबारा जन्म देके हम सबको और आइडिया दे, हमको दिशा दिखाए, और इस देश को दुनिया को शांति बनाने में अतुल जी का नाम अमर रहे। इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति।